मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमेटिकस, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा को कैसे मैनेज करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए ये इमरजेंसी कंडीशन होता है। अस्थमा में प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किया था कि अस्थमा में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लार्ज एयरवे का ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगता है। तो अगर पेशेंट जो है एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा के साथ प्रेजेंट करेगा तो हमको उसको मैनेज करना है कैसे। सबसे पहले सैलबुटामोल शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, सबसे पहले पेशेंट आया तो वो, या तो हम हॉस्पिटल में है तो नेबुलाइजर है तो नेबुलाइजर के थ्रू देते हैं, या फिर मीटर ड्रग इनहेलर के थ्रू एक पफ एवरी मिनट पे, वन पफ एवरी मिनट पे देते हैं, मैक्सिमम 10 पफ दे सकते हैं एक टाइम पे। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ रिस्पांस दिख जाता है, तो अगर रिस्पांस दिख गया तो सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा, या फिर अगर स्पायरोमेट्री है तो उससे भी चेक कर सकते हैं पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, अगर मोर देन 80% हो गया तब तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे रिस्पांस नहीं शो करता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या देंगे कि ऑक्सीजन देंगे, इफ़ SpO2 लेस देन 95% होगा ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बहुत कमी हो जाती है ऐसे पेशेंट को, और ओरल प्रेडनिसोलोन स्टार्ट करेंगे। ये ओरल प्रेडनिसोलोन स्टेरॉयड है 1 to 2 mg/kg स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेस करेंगे कि एक घंटा के बाद कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर इम्प्रूवमेंट पहले केसेस में इम्प्रूवमेंट अगर दिख गया, यानी एसेस किया एक घंटा के बाद, एक घंटा के अंदर में एसेस करा तो इम्प्रूवमेंट मिल गया, तो इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे सैलबुटामोल को एवरी सिक्स टू एट आवर्स फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। और जो पहला केसेस में भी अगर सैलबुटामोल से कंट्रोल हो गया था तो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया था, तो उसको भी 6 से 8 घंटा तक सैलबुटामोल पे ही रखेंगे, नेक्स्ट एवरी 6 to 8 आवर्स उसको नेक्स्ट 24 आवर्स तक सैलबुटामोल देते रहेंगे। उसके बाद अगर इस केसेस में भी नो इम्प्रूवमेंट मिला ऑक्सीजन, या फिर ओरल प्रेडनिसोलोन देने के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो नेबुलाइजेशन एक बार और करेंगे। और नेबुलाइजेशन किस चीज़ क्या क्या चीज़ डाल करके करेंगे, तो नेबुलाइजेशन में सैलबुटामोल, इपराट्रोपियम और इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन भी डालते हैं। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं 10 mg/kg के हिसाब से, ठीक है, नेबुल, और फिर उसके बाद एक्सेस करते हैं आफ्टर 2 आवर्स के बाद, फिर से देखते हैं। तो एक्सेस करेंगे तो लुक फॉर रिस्पॉन्स के लिए देखेंगे, अगर रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है, तो फिर इस केस में भी वही करेंगे, साबा जो है सैलबुटामोल शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एवरी 6 to 8 आवर फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स देंगे, और ओरल प्रेडनिसोलोन 5 दिन के लिए देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको डायरेक्टली ख़त्म कर देंगे, टेपरिंग करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं रिस्पांस मिला, नो रिस्पांस, अगर ये नेबुलाइजेशन सैलबुटामोल इप्राट्रोपियम प्लस इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन से भी नहीं रिलीफ मिला, तो इंजेक्शन थियोफाइलिन देते हैं और IV इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट का इन्फ्यूज़न भी देते हैं, ठीक है। अगर इससे भी रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन वगैरह, ये चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए। एक चीज़ हमको देखना है कि ये कैसा दिखता है, जो नेबुलाइजर है इस तरह का होता है, यूज़ ऑफ नेबुलाइजर जो होता है ना, ये इस तरह का मशीन है, ये फेस मास्क होता है उसको जो है, ये मशीन होता है, कंप्रेसर होता है इसमें, ठीक है,